दोस्तों प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत गरीब परिवारों को मकान बनाने लिए 2.5 लाख रुपए का लाभ दिया जा रहा है। तो पूरी इन्फॉर्मेशन तुहानू इस वीडियो में देवांगा। जो वीडियो बेनीफिशियल लगती है प्लीज़ चैनल में सबसक्राइब जरूर कर लो, तुहाडे सपोर्ट की बहुत जरूरत है। हाँ दोस्तों, सब तो पहले आप गल कर लेनी है इस स्कीम लिए अपलाई लिए की योग्यता है, कौन इसको अपलाई कर सकता है। तो नंबर वन की गल करिए दोस्तों, आप जे 21 तो 55 साल के विचकार अपनी उम्र है तो इसको आप अपलाई कर सकते हैं। इस तो इलावा अपने को इनकम सर्टिफिकेट होना चाहिए। EWS LIG MIG तो मतलब दोस्तों यह है कि EWS तो मतलब है दोस्तों जे थोड़ी इनकम है जी 3 लाख सालाना तो घट है, तो LIG दे मतलब है जे थोड़ी इनकम 3 लाख तो लैके 6 लाख के विचकार है सालाना इनकम, तो MIG का मतलब है जो 6 लाख तो 12 लाख के विचकार है जो थोड़ी इनकम। जो एक सर्टिफिकेट अपने को EWS LIG तो MIG रिलेटेड एक सर्टिफिकेट होना चाहिए, फिर आप इस स्कीम लिए एप्लीकेबल हो सकते हैं। इस तो बाद की गल करिए दोस्तों, पहला कोई भी सरकारी योजना के तहत तुसी मकान बनाने वास्ते या कोई होर योजना का कोई भी बेनीफिट ना लिता होए, जो भी इसमें अपलाई कर रहा है दोस्तों उस को एक आधार कार्ड होना लाजमी है। परिवार जो महिला मुखी का मतलब यह है दोस्तों, जो थोड़े को पहला जमीन है तो उससे कंस्ट्रक्शन करना चाहते हो, जो मटीरियल सरकार वालों पैसा लेके वो खरीदना चाहते हो तो अपना मकान आप पाना चाहते हो, तो फिर तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। पर जो तुम सरकार तो यह फॉर्म अपलाई करके जी ये बेनीफिट मिल रहे ने थोनू प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत, तो तुम फिर प्लॉट लेना चाहते हो तो परिवार की महिला मुखी शो करनी पे। कहने का भाव यह है कि दोस्तों जे तुसी इस स्कीम राही कोई खाली प्लॉट लैन की सोच रहे हो तो घर की जी महिला है वह इस फॉर्म में अपलाई कर सकती है। इस दे बेनीफिट लैन वास्ते थोड़े को पहला ऑलरेडी प्लॉट है तो उससे जो तुम घर पाना चाहते हो तो कोई भी मेल आदमी जोड़ा भी आदमी है वह इसलिए अपलाई कर सकता है, उस में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। प्रधानमंत्री आवास योजना स्कीम राही 4 तरीके जेडे कि गौरमेंट फंड लै सकते हो, जो बेनीफिट गौरमेंट तो मिल रहा वो तुम लै सकते हो। गल करते हैं आप पहले की, पहला ऑप्शन की गल करिए दोस्तों ISSR है, तो आप चैक कर सकते हैं। जे तुम स्लम रहने हो जिमें कि झुग्गड़ पट्टिया रहने हो तो इस रिलेटड आप 1 लाख रुपया मिलता है सरकार वालों। CLSS की आता जे तुम लोन लेना चाहते हो स्कीम राही तो 2.67 लाख रुपया का जो लोन तुम्हें मिल जाएगा, तो इसका फायदा यह है दोस्तों कि इंट्रस्ट बहुत घट होगा, मतलब ना बराबरी इंट्रस्ट होगा, जिन्हें पैसे तुम बैंक तो या किसी स्कीम थ्रू लिते हैं उन्हें ही पैसा तुम्हें भुगतान करना पड़ेगा, सबसिडी तुम्हें बहुत चंगी स्थिति दी जाएगी। तो तीजे पॉइंट की गल करिए दोस्तों, AHP का मतलब यह है कि जे तुम ये फॉर्म AHP के अंडर अपलाई कर रहे हो तो गवर्नमेंट वालों की एक प्लॉट बनाया प्लॉट अफोर्डेबल प्राइस से, मतलब कि जिनी थोड़ी गुंजाइश है उन्ने प्राइस से तुम्हें प्रोवाइड करवाया जाएगा, जिमें कि बड़ी बड़ी बिल्डिंग होंगी उस एक प्लॉट थोड़े लिए थोड़े नाम से रजिस्टर कर दिया जाएगा। तो चौथे तरीके की गल करिए दोस्तों, जे थोड़े को खाली प्लाट है तो उससे तुम अपना मकान पाना चाहते हो तो इस BLC स्कीम रिलेटड तुम्हें कंस्ट्रक्शन जो भी मटीरियल होंगे ब्रिकी सीमेंट इटा वास्ते 1.5 लाख रुपया तो मुहैया करवाया जाता है इस बेनीफिट थ्रू। तो आप जो प्रधानमंत्री आवास योजना का फॉर्म फिल करना है आपको BLC यानी बेनीफिशरी लैड कंस्ट्रक्शन रिलेटड ही फॉर्म फिल करना है, ता जो आप 1.5 लाख रुपया आसानी मिल जाए, आप जो भी मटीरियल अपने अकॉर्डिंग जो अपना मकान पाना चाहते हैं उस तरह का अपने को पै जाए। तो दोस्तों हम आप गल करते हैं कि आप ऑनलाइन घर बैठे अपलाई किमें कर सकते हैं प्रधानमंत्री आवास योजना के बेनीफिट लैन वास्ते। सब तो पहले तुम मेरी वीडियो के डिस्क्रिप्शन लिंक में जाना, उत्ते क्लिक करना तो सीधा इस साइट उपर पहुँचोगे। इस तो बाद आप करना की है, सब तो पहले आप सिटीजन असैसमेंट से आप जावे अपलाई ऑनलाइन, इतने आप बेनीफिशरी लैड कंस्ट्रक्शन से आप क्लिक कर लेंगे। इस तो बाद आप इतने आधार कार्ड अपने परिवार का जोड़ा भी मुखी है जिसके नाम से अभी आप बेनीफिट लेना चाहते हैं उसका आप आधार कार्ड नंबर फिल करेंगे, तो उसका नाम इतने फिल करके नीचे जाके आप चैक इट पर क्लिक कर देंगे। इस तो बाद इस तरह का फॉर्म जो अपने सामने ओपन हो जाएगा दोस्तों, ये फॉर्म आपको फिल करना पड़ेगा, नॉर्मल जी डिटेल है दोस्तों, तुम आराम आसानी इसको भर सकते हो। जेकर कोई भी दिक्कत या कोई प्रॉब्लम आती है इस फॉर्म में भरने में तो वीडियो में कमेंट कर दो, मैं थोड़ी हेल्प जरूर करने की कोशिश करा। प्रॉब्लम वाली गल नहीं है दोस्तों, इस आप एक गल का ध्यान रखना, इस फॉर्म में फिल करते समय आप इतने बेनीफिशरी लैड कंस्ट्रक्शन वाले कॉलम पर ही क्लिक करा। उसके बाद नॉर्मल जी डिटेल है दोस्तों, अपने फैमिली का आप पूरा बायोडाटा देना है, तो अपना बैंक अकाउंट की जी भी डिटेल है वो आप इतने लिखनी है,
ਅਤੇ ਸਭ ਕੁਝ ਫਿਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਐਡਰੈਸ ਵਗੈਰਾ ਆਪਣਾ ਉਮਰ ਜੋ ਵੀ ਹੈ ਆਪਣਾ ਪਹਿਲਾਂ ਮਕਾਨ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਇਸ ਦੀ ਡਿਟੇਲ ਵੀ ਇਸ ਵਿੱਚ ਪੁੱਛੀ ਜਾਵੇਗੀ ਸਾਰੀ ਡਿਟੇਲ ਸਹੀ ਸੱਚੀ ਦੀ ਸੱਚੀ ਉੱਤੇ ਆਪਾਂ ਫਿਲ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਨੀਚੇ ਸਕਰੋਲ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਟਿੱਕ ਮਾਰਨ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਲਾ ਦੇਣੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੇਮ ਕੈਪਚਾ ਜੋ ਵੀ ਇਸ ਬਲੈਕ ਅੱਖਰਾਂ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਸੇਮ ਫਿਲ ਕਰਕੇ ਸੇਵ 'ਤੇ ਆਪਾਂ ਕਲਿੱਕ ਕਰ ਦਾਂਗੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ ਦੋਸਤੋ 3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਕ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਹੋਵੇਗੀ ਜਿਹੜੀ ਡਿਟੇਲ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਇਸ ਫੋਰਮ ਵਿੱਚ ਭਰੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਚੈੱਕ ਕਰਨਗੇ ਦੋਸਤੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਪਹਿਲਾਂ ਮਕਾਨ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਅਰਨਿੰਗ ਕਿੰਨੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਇਨਕਮ ਪੂਰੀ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਦੋਸਤੋ ਕੋਈ ਝੂਠੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਵਿੱਚ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਾ ਕਰੋ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਫਾਈਲ ਹੈ ਉਹ ਅਪਰੂਵਲ ਮਿਲ ਜਾਵੇਗਾ ਉਸਨੂੰ ਅਤੇ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਅਮਾਊਂਟ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲੇਗੀ ਬੈਨੀਫਿਟ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਬੈਂਕ ਦੇ ਅਕਾਊਂਟ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਵੇਗੀ ਬਾਕੀ ਦੋਸਤੋ ਇਸ ਰਿਲੇਟਡ ਵੀਡੀਓ ਮੈਂ ਸਟੈਪ ਬਾਏ ਸਟੈਪ ਪਹਿਲਾਂ ਬਣਾ ਚੁੱਕਿਆ ਹਾਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬਟਨ 'ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ੋਅ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਜੇ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਦੇਖ ਕੇ ਸਿੱਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇਹ ਪੂਰੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈ ਇਸ ਰਿਲੇਟਡ ਅਤੇ ਜੇ ਵੀਡੀਓ ਬੈਨੀਫਿਸ਼ਲ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਪਲੀਜ਼ ਸਪੋਰਟ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੋ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਅਤੇ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਕਰ ਲਓ